प्रयागराज की पुलिस लाइन में उस समय सनसनी फैल गई जब सरकारी आवास में डीआईजी के प्यून ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी और उसके बाद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि लगभग 20 साल से डीआईजी कार्यालय में तैनात प्यून गोविंद नारायण की बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते गोविंद परेशान रहता था। आशंका जताई जा रही है कि इसी कारण गोविंद ने पहले अपने बेटे और पत्नी की हथौड़े से हत्या की और उसके बाद उसने खुद को फांसी लगा ली। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे एसपी ने मामले में जांच का आदेश दिया है। छोटे भाई हैं, छोटे बेटे हैं भारत, उनका कहना है कि जब तक 8:30 बजे आए तो दरवाज़ा बंद था, खटखटाया, कोई आवाज़ नहीं आई, तो उनने फ़ोन बजाया, फ़ोन से भी कोई आवाज़ नहीं आई, कोई उठाया नहीं, तो फिर ये नीचे राकेश मिश्र के पास आए और उनकी मदद से दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद उन्होंने ऐसी भी देखा। जी एक ही कमरे में है, पंखे से लटका हुआ गोविंद जी का शव है और नीचे जमीन पर पत्नी का शव पड़ा हुआ और खून बिखरा हुआ और बाएं हाथ में बेटे का शव भारत, जो उनके छोटे बेटे हैं उनका कहना है कि जो सुनील हैं बड़े बेटे जिनकी उम्र 28 साल बता रहे हैं, उनके साथ कुछ मनोचिकित्साओं की चल रही थी, किसी प्रकार की 20-25 साल की मनोचिकित्सा की प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है अभी इसके बारे में स्पेसिफिकली नहीं पता है ऑब्जेक्टिव रूप से कि वो प्रॉब्लम क्या थी, लेकिन इनका कहना है कि डॉक्टर प्रकाश पचानक का इलाज पहले जो इनका कहना है, इनको लग रहा है कि अभी तहरीर तो उन्होंने नहीं दी है, लेकिन जो प्रथम दृष्टि इनका कहना है, इनका कहना है कि दोनों को अभी चोट कहाँ है, कहाँ कहाँ है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो पास पे खून दिख रहा है वैसे लग रहा है कि सिर से ही खून, लेकिन चोट और भी जगह हो सकती है, यदि पोस्टमार्टम से चोटों के बारे में पता चलेगा। फिलहाल पुलिस ने तीनों लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।